जनवरी साल 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए उनके भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये भाषण उन्होंने 11 सितंबर साल 1893 को दिया था। ये वही भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। लेकिन इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या कहा था, ये कम ही लोग बता पाते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस खास भाषण की खास बातें ये हैं। अमरीकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इसराइल की वो पवित्र यादें सजो रखी हैं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और उन्होंने फिर दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समंदर में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं लेकिन ये सब ईश्वर तक जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि अब तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वो अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुँचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियाँ झेलते हैं लेकिन आखिर में मुझ तक पहुँचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से।